नमस्कार, मैं स्वदेव हसन साहब, आप सबको स्वागत है हिल्स लैब में। और आज हम बात करने वाले हैं सैलरी कल्चर डिपार्टमेंट में। तो सैलरी कल्चर डिपार्टमेंट में किस तरह सा लोगों के लिए भलाई के लिए काम किया जाता है, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं लोंगखोक में। और लोंगखोक ऐसा हाफलोंग से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, मीन हाफलोंग टाउन से। और यहाँ पर एक फार्म है जो सैलरी कल्चर का, और यहाँ पर एरी जो है कल्टिवेशन किया जाता है। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, पूरे यहाँ का जो डिपार्टमेंट हम चर्चा करेंगे, पूरे एक लॉन्ग डिस्कशन होगा आपका साथ हमारे प्रोग्राम में, कि ये डिपार्टमेंट होने का मकसद क्या था और ये डिपार्टमेंट आने के बाद में लोगों के लिए कितना अच्छा भला हुआ है, और ये आने वाले दिन में फ्यूचर में उनका प्लानिंग कैसा है, और यहाँ से प्रोडक्ट्स कैसे करके निकलते हैं, उन सारी बातों में हम बात करेंगे। लेकिन धीमा हासाओ में जो सैलरी कल्चर डिपार्टमेंट है, वो आके लोगों के लिए एक लोगों का समाज में या लोगों के बीच में किस तरह का जागरण फैलाया है, जो इसको एरी को कल्टिवेशन करने के बाद में लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, इन सारे जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, उन सारी बातों में हम आज चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा जो है गच्छी लगाया जाता है, उसको जो एरी को खाने का लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। उन सारी फार्मों को भी हम दिखाएंगे, उन सारे जो फार्मों में उन सारे जो उसके बाद किस तरह सा और बहुत सारा प्रोडक्शन निकला जाता है, बहुत सारा कपड़ा हो या पर जो है सील मुगा हो या मुगा से सील से बहुत सारा जगह से जो लोगों जो एक प्रोडक्शन निकला जाता है, जहाँ सुनने में आया कि ये इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारा जो है इसका जो है वैल्यूएबल है, इस तरह से मनाया जाता है। और आज हम बात करेंगे उसी बारे में, और सैलरी कल्चर में किस तरह से जो है ये जो है डेवलप किया जाता है। वे यहाँ का जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनसे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये सबसे पहला है, आप सभी को हम स्वागत कर रहे हैं हमारे चैनल में। और दादा, ये बताइए कि ये एरी क्या होता है और कौन सा वैराइटीज का होता है? ये नॉर्मली अगर देखें तो सुनने में आया कि 4 किस्म का होता है, और वो कौन सा किस्म का है? ऐसे आप हमारा सैलरी कल्चर में तो 4 किस्म का होता है और वैराइटीज सिलोम होता है, एरी, मुगा, मलबरी, टसर बोल के। लेकिन ये फार्म में तो आपका एरी और मुगा ज़्यादा चलता है, स्पेशली इस फार्म में। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो धीमा हासाओ में तो टसर तो एक जगह है आपका उमरंग सोसाइट में चलता है, बाकी में तो दूसरा भी चलता है मुगा। ये जो फार्म करने का, यहाँ पे जो लोंगखोक में जो फार्म बनाया गया, उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो हो गया ये फार्म तो गाँव वाला लोग को दिखाने के लिए है। अच्छा। और आप लोगों का आसपास में है, आप लोगों का आसपास का गाँव वाला लोग तो उसमें इंटरेस्ट होता है, स्पेशली आपका धीमासा कम्युनिटी और दूसरा ट्राइब लोग का भी, ट्राइबल लोग का तो बहुत दिन से करके आया है, लेकिन टेक्निक मालूम नहीं है उन लोग का। इसके लिए हम लोग ये टेक्निक टू दिखाने के लिए ये फार्म टू लेकर आया है। चलिए हम चले चले बात करते हैं। और देखे जाए तो दादा, यहाँ पर देखे आसाम में बहुत सारा जगह में वो ये सैलरी कल्चर का कल्टिवेशन होता है, या फिर एरी जो एरी मुगा बहुत सारा जो है बनाया जाता है। यहाँ पे कौन सा वेराइटीज ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा चलता है? इधर में तो हमारा तो एरी तो ज़्यादा चलता है, लेकिन मुगा तो थोड़ा कम है। मुगा तो लंगलांग उमंगसू में तो 2-3 का फार्म है, वो भी तो ज़्यादा तो हमारे इधर में तो एरी सिल्कम तो बहुत ज़्यादा होता है। अब और तो टसर फार्म भी है, टसर तो हमारा उमंग सुमे है, तो थोड़ा थोड़ा कमती होगा जो इधर में तो जो हुआ ना, तो मुगा तो थोड़ा कमती, ज़्यादा तो हमारा जो इधर सब एरी होता है। दादा इधर में एरी है, ज़्यादा होता है एरी तो ज़्यादा, तो ज़्यादा एरी होता है। तो यहाँ पे यहाँ से कितना मोटा मोटी कितना साल में प्रोडक्ट निकलता होगा? साल में प्रोडक्ट तो आपका एरी का 40,000-50,000 निकलता है, 2-3 करने पर सकता है, बियरिंग करने सकता है आपका वेदर का वजह से। ऐसे तो आपका लाइफ साइकिल तो एरी का तो 15-20 में कंप्लीट होता है, और मुगा का तो 30 लगता है। तो इसे क्या फ़ायदा होगा लोगों के लिए, क्या फ़ायदा हो सकता है, या पब्लिक के लिए किस तरह सा फ़ायदा मिल रहा है यहाँ आपको ये डिपार्टमेंट का? हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से तो पब्लिक का, फार्मर लोग का फायदा तो है, रियरिंग करने से आपका मेहनत कमती होता है,
आजकल हमारा डिस्ट्रिक्ट में झूम कल्टीवेशन ज़्यादा फेमस है। झूम कल्टीवेशन में तो इतना लाभ नहीं होता और मेहनत भी ज़्यादा है उसमें। तो आपका एरी तो स्पेशली एरी तो ट्राइबल लोग ज़्यादा पालता है, उसमें तो 15 डेज में हो जाता है, 20 डेज में हो जाता है, इसलिए उसमें फार्मर लोग का बेनिफिट होता है, ज़्यादा होता है। लोकल स्टाइल में भी पाला जाता है? हाँ, लोकल स्टाइल में भी हो जाता है। हम लोग का साइंटिफिक या टेक्निक से भी हम लोग शिक्षा देता है। यहाँ में देखने मिला कि यहाँ पे अब जिस तरह से एरी के लिए जो गाछ लगाया है ये तो परमानेंट है, वो टेम्पोरारी वाला भी बहुत तरह जगह में कंट्रीब्यूशन करते हुए हम लोग देखा है। वो कितना सही ढंग से गाँव वाला लोग तो ऐसे आपका जंगल का डिपेंड करता है। फूड प्लांट जंगल से बोक के लेके आता, उसमें तो ज़्यादा मतलब मेहनत होता है और लॉस होता है, इसलिए हम लोग उनको शिक्षा देता है कल्टीवेशन का स्टाइल भी थोड़ा बदलना चाहिए और अपना बगान में लगाने से ठीक होगा बोल के और का आसपास में हो जाता है। परमानेंट स्ट्रक्चर में जाने से तो आप एक बार लगाएगा तो केसरी प्लान तो 40 ईयर 50 ईयर तक जाता है पूरा, उससे इतना तक आपको आराम से पालने से ही है। 40 to 50 ईयर से लोगों के लिए ज़्यादा फायदा हो। हाँ, लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, तो ये था यहाँ का जो इंचार्ज, उन्होंने बताया कि ये जो जिस जो गच्छी लगाने से किस तरह से फ़ायदा होता है और जो गांव वालों को जिस तरह से डिपेंड किया जाता है उसके ऊपर में निर्भर ना करके दूसरा जो है इसको परमानेंट स्ट्रक्चर में अगर सोचता है तो डेफिनेटली गाँव वाला के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। Dima Hasao Silk makes way to Belgium. Dima Hasao has received its first requisition for 200 pieces of locally woven Muga silk shawls to be exported to Europe's Belgium. The requisition was made to Dima Hasao Sericulture Department by Belgium-based sericulture scientist. While Assam is known as the largest producer of golden Muga silk in the world, Dima Hasao is the only district in Assam which is endemic to 4 varieties of silkworm, that is Muga, Eri, Mulberry and Tassar. Muga silk has the highest value as the worm which produces the silk are rare and are only found in Assam and some hill areas of Meghalaya. The processed silk yarn can cost up to ₹25,000 to 3,000 per kg. Additional Director Sericulture Nilotpal Buragohain said that the department has 3 Muga worm farms in the district at Langlam, Longku and 29 kilo in Umrangshaw. To complete होने के लिए तो कम से कम 30 दिन लगता है। अच्छा, और गर्म गर्म दिन में ठंडा दिन में तो ज़्यादा लगता है। और ये मौत निकलने के लिए तो गर्म दिन में 10-12 दिन में निकल जाता है। हाँ, तो हम सीट बनाएगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम भेजाएगा। हाँ, और रेवेन्यू मिलेगा। इसको क्या बोलता है? इसको एरी, इंग्लिश में एरी कोकून बोलता है। एरी कोकून, ये आप कैसे करके शुरुआत में क्या करना पड़ता है? एठू हम यहाँ में सीट बनाएगा। अच्छा, सीट बनाएगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम सीट भेजाएगा। हाँ, ये कहाँ कहाँ बेचता है? हम लोग लखीमपुर, डिब्रूगढ़, ऑल असम। ऑल असम। इसका सिस्टम कैसा है? मैं पहले से आप तो देखते हैं, ये अपने मैंने देखा कि ये एक शुरुआत, इससे फिर वो बटरफ्लाई होगा। बटरफ्लाई होगा 10-12 दिन का बाद में तो बटरफ्लाई निकल रहा है। तो चलिए, और उस बटरफ्लाई कैसे प्रोसेस होगा? बटरफ्लाई तो यहाँ कैसे करना पड़ता है? निकलेगा मेल मोट और फीमेल मोट 24 ईयर्स यहाँ में हम बांध करके रखा। अच्छा, और फिर दिन उठो हम मेल मोट को फेंक देगा। अच्छा, और फीमेल मोट हम यहाँ में बांध करके रखा 24 आवर्स। अच्छा, तो दिन देगा हमें। अच्छा, दिन निकालेगा और 2 दिन बाद में तो हम निकलेगा। ये क्या है? ये सब काम सामान क्या क्या कौन सा सामान यूज करते हैं? तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए तो
खड़िका खड़िका बोल अच्छा खड़िका बोलेगा तो खैर ऐसे बनाया अच्छा हाँ। और बाद में तो हम लोग का सीट निकालेगा बस उसके बाद तो मेल फीमेल मक पे तो निकल जाएगा और तो हम सीट पे निकाल लेंगे बस यही है ये ऐसा करने से लोगों की तो दिन में सोच लीजिए आपको वन केजी अगर एक केजी या अगर हम इरी एक निकाल लिया चाहे उसका पैकेटिंग से या फिर जहाँ से निकालने का बाद ये जो है या फिर वन की एक केजी अगर तो इरी लेता है तो यहाँ उनमें से कितना थू हमको वापस मिले तो एक केजी का एक केजी में तो एक केजी में तो तो वहाँ में तो एक के जी में तो सीट तो कम से कम आपका 40,000 नहीं वो तो ठीक है। देर इज अ डिपार्टमेंटल एरी सीड्स प्रोडक्शन सेंटर इन हाफलोंग वेयर द सीड्स आर हैश्ड एंड द मॉक्स आर टाइड अप इन अ स्ट्रॉ स्टिक फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स लेटर द एग्स सीड्स are collected at Airy Concentration Centers, ECC, where Airy seeds are collected and distributed to farms and local market as well. अच्छा है हम लोग के लिए दिमाहसावासी के लिए असम का जितना डिस्ट्रिक्ट है ये दिमाहसावी पहला डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में सेरिकल्चर का जो सार वेराइटी का एरी मुगा मालवेरी तसर ये सार वेराइटी का दिमाहसाव डिस्ट्रिक्ट में मिलता है वहाँ मैंने सिल्क का सर वेराइटी का सिल्क है एरी मुगा मालवेरी टसर दिमाहसाव डिस्ट्रिक्ट में ये सर वेराइटी का ही मैंने सिल्क मिलता है और असम का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है खाली हामरेन में टसर तो मिलता है खाली टूरा टूरी लेकिन मेजर ये है दिमाहसाव डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है और भी एक बात है मुगा असम का वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट मैंने स्टेट का हिसाब में असम और एडजस्टिंग वो थोड़ा अभी मेघालय का और नागालैंड का मैंने वो पहाड़ साइड में थोड़ा थोड़ी होता है लेकिन मेनली मुगा प्रोडक्शन असम में होता है वर्ल्ड का कोई जगह में नहीं मिलता है वो बहुत रेयरेस्ट चीज़ है और उसका प्राइस भी आजकल आप लोग तो मालूम है मुगा का प्राइस बहुत ज़्यादा है पर केजी मुगा सिल्क का दाम 25,000 से 30,000 एक केजी सूता का दाम इसलिए वो भी बहुत कॉस्टलीस्ट है आजकल और दिमाहसाव में हम लोगों का ये मालवेरी मुगा का दो टू फार्म है एक हो गया 29 किलो बोलता ना लंगलम का एक तो हम लोगों मुगा फार्म है और एक तो खुरंगमा बोलता खुरंगमा में एक है और एक तो सुटो वाला सेंटर है लंगकू बोल के MFPC लंगकू ये तीन सेंटर दिमाहसाव डिस्ट्रिक्ट में मुगा का हम लोग का यही है गवर्नमेंट फार्म में और हम लोग का दो एरी का दुई तो थोड़ा आगे आप लोग गेनेज ऑपरेशन को देखा इधर में हम लोग का मैनेजर लोग से तो दिखाया वो दो हम लोग का गेनेज है गेनेज मीन्स एरी सीड प्रोडक्शन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ असम का है वो इधर में जितना हम लोग का सेंटर है जितना एरी ECC बोलता है एरी कंसंट्रेशन सेंटर इसमें जितना प्रोडक्शन होता है वो कोकुन हाफलोंग साइड का जितना दुयंगमुख से उमरंगसू से इधर में लेके आता हाफलोंग में इधर में गणेज ऑपरेशन करके जो सीट हम लोग बनाया वो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जितना कंज्यूमशन है हर जगह में और हम लोग का जो ट्रेडिशनल रेयरर्स है वो लोग को हम लोग गाँव गाँव में हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटर लोग है सब लोग से डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल मार्केट में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया करता है और जितना गवर्नमेंट रिक्विजिशन है अभी जैसे इधर में आगे दिखाया होगा वो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में 2 KG सीड हम लोग दिया 28,000 उसका ये है कॉस्ट है तो नौगांव में दिया मैं तो मरीगांव डिस्ट्रिक्ट में दिया 2 KG वो लोग का जितना रेवेन्यू होता वो हम लोग काउंसिल का के डिपॉजिट में हम लोग जमा करता यही और क्योंकि ये लोकल प्रोडक्ट है हम लोग का जो एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग काउंसिल के डिपॉजिट में
443 जो काउंसिल का हेड है, काउंसिल हेड में हम लोग जमा किया कट्टा, वो जितना है काउंसिल रेवेन्यू में मिलता है। और बाकी हम लोग का आप लोग तो देखता है होगा, वो लोकल मार्केट में जो एरी का जो प्यूपा मिलता है, एक केजी प्यूपा का दाम 500 से 600 तक, आप लोग तो मार्केट शनिवार का जो मार्केट है उसमें उसमें देखता है, इतना डिमांड है वो। इसलिए हम लोग गाँव का आदमी लोग को अवेयरनेस कैंप हर बस्ती बस्ती हम लोग का माने ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग का जो डेमोंस्ट्रेटर लोग है, हम लोग साल साल में वो लोग को अवेयरनेस कैंप करता है, आप लोग ऐसे एरी का रेयरिंग तो करो करके, जितना काट कोकुन होने से हम लोग हमें देने से गवर्नमेंट रेट अभी पर के जी का 600 तक है। तो अभी से जो प्रोडक्शन होता है गाँव का आदमी लोग, वो लोग इतना जानकारी नहीं है, बोल के वो लोग का जो मिडिल मैन है लंका और लमडिंग का तरफ से, वो लोग आई के 300-400 में वो लोग को पर के जी लेके जाता है डेली माने मार्केट से। इसलिए हम लोग वो लोग को अवेयरनेस करने के लिए हर जगह जगह वो लोग को बोलता है, आप लोग जितना प्रोडक्शन होता है हम लोग को डिपार्टमेंट का इधर में लेके आइए, हम लोग को दीजिए, हम लोग एज पर गवर्नमेंट रेट अप टू 600 हम लोग देता है। और इसलिए अभी जितना लोग मालूम है और यहाँ में सेल करता है, हम लोग सेल करके वो इधर में हम लोग का ये अभी जो प्रोडक्ट आप लोग देखा है ये सब ये माफला वो कोकुन से हम लोग हमें हम लोग का मास्टर ट्रेनर हम लोग ट्रेनिंग करके रखा, वो लोग को लगा के हम लोग ये बनाता, वो बनाने के लिए वो लोग को हम लोग 500 to 600 मेकिंग चार्ज वो लोग को देता। और ये सब कहाँ इतना ही डिमांड है, वो तो अभी बेल्जियम जाने के लिए 200 पीस हम लोग का ऑर्डर दिया, बेल्जियम जाएगा हम लोग का रिक्विजिशन आया ऐसे। तो हम लोग अभी कलेक्शन करके रखा, अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ, 50 तो जैसे हुआ, तो 200 पीस लगता बोला वो लोग। हम लोग का एक आगे ये तो साइंटिस्ट था, वो ये लिंक में हमको हम लोग को बोला ऐसे, माने आप लोग को 200 पीस होने से माने क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन है, ये क्यों है एरिका एकदम जेन्युइन प्योर नेचुरल चीज है, या मैं कुछ सिंथेटिक कोनो डाई कोई भी कलर कुछ भी नहीं है, एज इट इज नेचुरल प्रोडक्ट है ये। इसलिए ये सब 100% नेचुरल प्रोडक्ट बोल के बाहर में बहुत डिमांड है। और यहाँ में हम लोग जितना ऐसे अभी गांव का आदमी लोग से जितना सेल करता है वो हम लोग यहाँ में परचेस करके हम लोग का मास्टर ट्रेनर लगे हम लोग जो बनाया, हम लोग का कैबिनेट मीटिंग में हम लोग का असम का सब लास्ट ईयर जो जनवरी में हमें कैबिनेट मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग 55 पीस हम लोग यहाँ से दिया काउंसिल को दिया था। काउंसिल से इसका रेवेन्यू फिर हम लोग को मिलता है, हम लोग यही करके फीस भी जमा करते हैं। अभी भी ऐसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होने से उस आने से काउंसिल वो हिसाब से जैसे हैंडलूम टेक्सटाइल सेरिकल्चर वो लोग हम लोग यही माल खुला मैंने वो लोग को भी देने लगता, उसका अगेंस्ट में हम लोग भी रेवेन्यू मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है हम लोग सब काउंसिल के डिपोजिट में जमा करता है। ऐसे उसका जो हम लोग का सेरिकल्चर का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हम लोग ये एक्चुअली सीट जून है, ये डिमा हसाओ का जो हम लोग का सेरिकल्चर का विभाग है वो मेनली सीट जून का हिसाब में गवर्नमेंट ऑफ असम का नज़र में ये सीट जोन है, क्योंकि यहाँ में वेदर टू प्लेन एरिया से माने अच्छा है, टेम्परेचर कमती है, यहाँ में अभी गर्मी का सीजन है, प्लेन्स में रेयरिंग नहीं होता, लेकिन डिमा हसाओ में इतना ज़्यादा आगे माने वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, बोले हर साल में पूरा साल यहाँ में रेयरिंग होता है। इसीलिए वो शीत जून का हिसाब में जितना गवर्नमेंट से आगे जो फार्म सेंटर जितना था सब शीत जून का हिसाब में बनाता है, लेकिन आजकल तो थोड़ा थोड़ी हमें भी गर्मी आ गया उपाय नहीं है, लेकिन सांगबर तरफ में थोड़ा तो कमती है अभी भी, इसीलिए शीत जून का हिसाब में बनाया था। और यहाँ से शीत आगे हमारा पीरियड में मिला बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड बहुत जगह में हम लोग यहाँ से एरी शीत सप्लाई किया था। लोगों के लिए भी यहाँ का गांव वाला के लिए भी बहुत कुछ फायदा हुआ। गांव वाला के लिए तो बहुत फायदा है, अभी तो वैसे तो गांव वाला आदमी का है सब चीज, वैसे तो प्रोडक्शन गांव वाला आदमी का है, हम लोग मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग कराई के बनाया, गांव का आदमी का जितना कोकुन है हम लोग
अब ये हम लोग का जो बठरी है वो तो अच्छा से मालूम, उसको ही हम लोग ऐसे जब लोकल मार्केट में जाओ वो लोग को बोलो जितना प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट में दो, क्योंकि मिडिल मैन आने से 300-400 में पूरा लेके जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ में देने से हम लोग गवर्नमेंट रेट में 600 रुपया वो लोग को देता है। इसीलिए आजकल वो लोग यहाँ में हम लोग का सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट बोल के हम लोग जो यूनिट बनाया यहाँ में आने से हम लोग साथ साथ कैश पैसा देके वो लोग को भेज देता है, बिल ये सब माने ये नहीं है बाकी के देगा पीछे मिलेगा ये सब नहीं है, हम लोग कैश पैसा देके गाँव का आदमी जितना है वो लोग को भेज दे देता है, पीछे में हम लोग ये फिर हम लोग का रीलिंग यूनिट में रीलिंग हम लोग का जो अभी मशीन है अभी आप सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, अभी वो हम लोग जो देखा है वो है सरस्वती रीलिंग मशीन है, वो 140 मशीन ऑलरेडी हम लोग अभी रेडी करके रखा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम थोड़ा दिन पीछे होगा सब गांव लगा है, जितना बस्ती का सर वो लोग बेनिफिशियरी और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज EMCM सर लोग से बेनिफिशियरी लिस्ट सिलेक्शन करके देगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, मिनिस्टर मैडम भी है वो लोग का सब गांव का आदमी को जाएगा 140 मशीन जी, क्योंकि वो होने से वो लोग का हाथ से बनाने से टाइम लगे वो मशीन में होने से और भी क्वालिटी अच्छा होगा जल्दी वो होगा, और जितना वो लोग बनाएंगे हम लोग को देगा हम लोग फिर वो लोग बेनिफिट होगा, वो लोग ये गाँव का बेनिफिट के लिए है, हम लोग को तो कोई रेवेन्यू प्रॉफिट मेकिंग के लिए हम लोग का तो डिपार्टमेंट ये नहीं है, लेकिन गाँव का आदमी वो लोग को मैंने सेल्फ सफिशियंट होकर वो तो खेती का टाइम में वो लोग करने तो नहीं लगता वो लोग मैंने रेस्ट का टाइम में ये सब चीज ज़्यादा होता है, इसलिए इसका तरफ से हम लोग मैंने वेलफेयर एज ए वेलफेयर डिपार्टमेंट है सेरिकल्चर एक्चुअली रेवेन्यू मेकिंग नहीं है, इसलिए इसे हम लोग गाँव का आदमी लोग को बेनिफिट देके आज तक इसे चलता है। थैंक यू। The department has exported 2 kg of airy seeds to Sivsagar, Naugaon and Morigaon district and collected ₹28,000 revenue, and has also earlier exported to other states of India like UP, Bihar, Chhattisgarh, etc., earning revenue to the North Kachar Hills Autonomous Council. The department have been creating awareness camps on rearing of airy worms at village level so that the rearing can boost their economy, as the pupa, which is considered a delicacy in Northeast, have a high price costing ₹400 to 500 per kg, and the cocoon are also bought by the department at ₹600 per kg. The department also engages local women to extract silk thread manually, and they are paid ₹500 to 600. मेरा नाम तो मोजेंद्र भाटिया है और सेल प्रोसेसिंग ऑफिस का सेल प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर का मतलब हम इंचार्ज है, तो हम लोग का एरिया में मतलब अभी बहुत सिस्टम तो है, हम लोग का मतलब अभी मुगा रेलिंग भी होता है और टसर रेलिंग भी होता है, और उसका मतलब वहाँ में इतना मतलब हम लोग का सुविस्तार तो है, लेकिन अभी तक हम लोग का वो कम चल रहा है यहाँ में, क्योंकि हम लोग का यहाँ में प्रोडक्ट तो बहुत कम थे एरिए और टसर का, और हम लोग का यहाँ में स्पेशल अभी हम लोग के सबसे ज़्यादा ज़्यादा से चलता हम लोग का लोकल जो एरी एडी उस हम लोग को यहाँ में प्रोडक्ट ज़्यादा चलता, डिमांड भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है हम लोग का यहाँ में, इसलिए मतलब हम लोग का यहाँ में जो अभी पहला तो हम लोग को मेखला साडर ये सब बना था, लेकिन अभी वही सब थोड़ा बहन करके मतलब टोटली बहन नहीं किया, लेकिन हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा माफलर माफलर और स्वेटर ये सब हम लोग बना रहे हैं, और वेस्टकोट ये सब बनाता है, और अभी एक तो मशीन भी हम लोग का दूसरा एक तो मशीन भी नया भी आया स्पिनिंग का मशीन, तो पहला तो हम लोग का ये सब मशीन था, अभी नया मशीन तो हम लोग का स्पिनिंग मशीन जो है फोटो दिखाई दीजिए वो मशीन है, उसमें मतलब अभी देखा हम लोग का कारण से मतलब आदमी का बहुत कम मेहनत से तकलीफ से वो हमें इजीली हम लोग काटने सकते काम कर सकते हैं, और हम लोग का यह बहुत मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये चील प्रोसेसिंग में हम लोग का सार लोगों में हम लोग को थोड़ा मदद करना है, क्योंकि ये लोग ओजेस है ओजेस लोगों का मतलब हम लोग वो लोग का 6 महीनों में एक तो हम लोग को सैलरी होता था, वो मतलब अभी 1 साल पार हो गया अभी तक तो देने नहीं सका,
ग्रीन काम तो का काम तो अभी चल रहा है वो लोग का, लेकिन वो देगा तो देगा, लेकिन अभी तक तो वो जो पेमेंट उन लोग का मतलब अभी तक तो लोग को नहीं मिला हुआ है। देर में एक साल दो तीन महीना ऐसे हो गया, इसलिए हम लोग भी पूछा रहा सर लोगों का, हम लोग को यहाँ तो बिल भी दे दिया, लेकिन क्या हंसते मतलब अभी तक वो लोग को पेमेंट नहीं हुआ तो सर लोगों को मालूम काम ही रह गया, मतलब क्यों ऐसे नहीं मिला तो सर लोगों को पूछने लगेगा वो क्यों ऐसे नहीं मिला होगा। तो यहाँ में बहुत कुछ बनता है साल में कितना तो प्रोडक्ट निकलता होगा, कितना लाख का, कितना हजार का? यहाँ में तो हम लोग का यहाँ तो ज़्यादा तो ये नहीं है, क्योंकि पहला में जो मतलब था हम लोग का मतलब से ट्रेनिंग सेंटर था, मतलब यहाँ में हम लोग का मतलब यहाँ से मतलब एक दो हम लोग वो भी मतलब ट्रेनिंग का आदमी एक दो प्रोडक्ट करके वो बाहर का आदमी जो आता है वो लोग लेके जाता है, लेकिन इतना मतलब सेल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग का यहाँ का एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ से पूरा मतलब हम लोग सप्लाई वही सब अभी तक तो नहीं हुआ, एक दो जो मिलता वो तो करते थे, लेकिन हम लोग इतना ही है अभी ये चीज़ काम चलता है मतलब यहाँ से बाहर में भी लेके जाता है नहीं जो बाहर से जो कभी कभी आ जाता है वो लोग को लोग किन के लेके चला जाता है। डिमांड तो बहुत डिमांड है, अभी थाउजेंड वो लोग डिमांड कर रहा है, लेकिन हम लोग देने नहीं सकते। यहाँ में सिल्क प्रोसेसिंग में हम लोग का ज़्यादा रुपया भी होना चाहिए वो हम लोग का इतना नहीं है, इतना पान हम लोग को नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग का काम इस साल से मतलब अभी वही सब बातचीत में पकड़ा तो बोला कितना तो पकड़ा हमको मालूम नहीं, इंचार्ज मतलब सिर्फ इंचार्ज है, बात बाकी सब एडिशनल से काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नाम का लिए हैं अभी इतनी। ठीक है चलिए हम देखते हैं कि द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सिल्क कोट्स, हैट्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा एंड हैज इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न मशीनरीज टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन रेट। To feed the worm, the department has an integrated farm at Lungkok near Haflong. As Dima Hasao is a hilly area and has cooler weather than other districts, all four silkworms are endemic to the region and can be reared the whole year.